हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक वाटर ड्रॉप लाइट एंड शेड में सीखेंगे। तो वाटर ड्रॉप को हम एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है लाइट एंड शेड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जब एयर और वाटर दोनों जो अलग अलग मीडियम के अंदर से जब ट्रेवल करते हैं, तब वो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। तो जहाँ पर लाइट होना चाहिए था, उससे थोड़ा अलग जगह पर लाइट होगा। तो जहाँ पर लाइट होना चाहिए था, वो जगह पर डार्क हो जाएगा, और जहाँ पर लाइट नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा उस जगह पर जाके ये लाइट गिरेगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन के कारण होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं शैडो यहाँ पर आ रहा है, बाएं साइड का जो वॉल है उसका शैडो गिरा है, और क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट वाटर के अंदर से हम उसका शैडो देख रहे हैं इधर। और जो साइड लाइट को फेस नहीं कर रहा है, वो साइड में कोई शैडो नहीं है, इसलिए उधर लाइट दिख रहे हैं। जहाँ पर कास्टेड शैडो होना चाहिए था, वहाँ पर कास्टेड शैडो तो आ रहा है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा लाइट भी आ रहा है, क्योंकि ये जो प्लेनों का कन्वेक्स लेंस की तरह जो बिहेव कर रहा है ये वाटर ड्रॉप, वो लाइट्स को इस दिशा में एक जगह पर एकत्रित करता है, और वो जो लाइट है आसपास का जो लाइट है, उस लाइट से भी ज़्यादा लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकता है। कभी कभी ग्लास ऑफ वाटर अगर लेते हैं कांच के ग्लास में, तो उसका जो शैडो होता है उसके बीच में भी हम ऐसे देख सकते हैं। तो देखने में लगता है तो उल्टा है, जो साइड से लाइट आ रहा है वो डार्क हो गया, और उसका उल्टा साइड लाइट हो रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और थोड़ा लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। अभी ब्लेंड करेंगे एक स्टाम्प से या फिर किसी टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं। शैडो को थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। कहीं जगह पर, किसी जगह पर अगर लगे कि ये लाइट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, वहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जेल पेन, वाइट जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा लाइट के लिए। और एक ड्रॉपलेट यहाँ पर कर रहे हैं, पर यहाँ पर हम वाइट जेल पेन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम बहुत आसानी से एक वाटर ड्रॉप कैसे शेडिंग करते हैं ये सीखा है आज। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।